बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इरा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फ्रोज़न लच्छेदार पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह से पराठे तैयार करके आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त से लच्छेदार पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। फ्रोज़न लच्छेदार पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप फाइन आटा ले लिए और इसको मैंने छान लिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच इसमें हम घी शामिल कर देंगे। घी डालने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ और पानी की मदद से आटे को हमने गूंद लेने। 2 कप आटे के लिए 1/2 कप पानी इस्तेमाल होगा। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही इसको हमने गूंदना है। आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। अब 2 से 3 मिनट आटे को हमने अच्छी तरह गूंद लेना है। और फ्रेंड, कौन कौन से शहर से आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आटे को मैंने गूंद लिए, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर हम लगाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये परफेक्ट हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर इस आटे को रख देंगे और इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब फिर इसके हमने पेड़े तैयार करने हैं। इस तरीके से 1 हिस्सा लेंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम आटा डस्ट कर लेंगे और इस पेड़े को हमने अच्छी तरह फैला लेना है बेलने की मदद से। अगर ये परफेक्ट गोल ना बने तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने दोबारा से बेल लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी लगाने से जब हम इसके लच्छे तैयार करेंगे तो एक एक लच्छा आपको अलहदा अलहदा नज़र आएगा। थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कटर ले लिए, आप नाइफ की मदद से भी इसको काट सकते हैं। पहले इसको मैं हाफ कर रही हूँ और इसके बाद इसको बराबर स्ट्रिप्स की फॉर्म में हम काट लेंगे। लच्छा पराठे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 ज़बरदस्त लच्छा पराठा बनाने के तरीके बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से इसको मैंने काट लिया है। अब एक साइड हम इसकी पकड़ेंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। जितना पतला इसको हम फोल्ड करेंगे उतने ही इसके ज़्यादा लच्छे बनेंगे। और 3 स्ट्रिप से एक पेड़ा मैं तैयार कर रही हूँ और बाकी 3 स्ट्रिप से दूसरा पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हल्का से इसको प्रेस करेंगे तो ये ज़बरदस्त सा हमारा लच्छेदार पराठे के लिए पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह दूसरा पेड़ा भी हम तैयार कर लेंगे। तो सिंपल जो हमने पेड़ा लिया था उसको मैंने बेल लिया है। इसके ऊपर भी घी और थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर देंगे। उसके बाद कटर या नाइफ की मदद से बिल्कुल पतला पतला इसको हमने काट लेने हैं। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल बेशक आप रफली इसको जितना पतला हो सके इस तरह से इसको हमने काट लेने। आप फ्रेंड, इस तरह से इसको पकड़ेंगे और एक के ऊपर दूसरा रोल करते जाएंगे। इस तरह से भी ज़बरदस्त इसके लच्छे तैयार होंगे। इसके भी हम 2 पेड़े तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हाफ मैंने ले लिए, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। एंड वाले हिस्से को इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये भी पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह दूसरा पेड़ा भी हम तैयार कर लेंगे। अब फिर सारे के सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए। अब 5 मिनट के लिए पेड़े को हम रेस्ट देंगे। हमने एक पेड़ा लेना है, पहले हाथ की मदद से और फिर इसको हमने बेलने की मदद से बेल लेना है। थोड़ा सा आटा हम जो खुश्क है वो भी साथ ही डस्ट करेंगे। तो इस तरीके से पराठे को मैंने बेल लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप पराठे इस तरीके से तैयार करके फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिए। बटर पेपर को थोड़ा सा हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अब जो पराठा हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और दूसरा बटर पेपर का पीस जो है वो उसके ऊपर रख देंगे।
इस तरह से होगा कि जब आप इसको फ्रीज करेंगे तो एक पराठा अगर आप निकालना चाहें तो आराम से इसको निकाल सकते हैं, पराठे आपस में चिपकेंगे नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से उसके ऊपर रख दी। इसी तरह दूसरा पेड़ा जो था उसको भी मैंने रेडी कर लिया है, उसका पराठा तैयार कर लिया है। थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और दूसरे पराठे को भी रख देंगे। तो इसी तरह जितने पराठे हमने तैयार किए हैं वो बारी बारी रखते जाएंगे। एक रखेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर शीट रख देंगे। तो इसी तरीके से सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जिप लॉक बैग या फिर प्लास्टिक की थैली चाहिए, तो इसमें इन पराठों को हम रख देंगे। अच्छी तरह इसको बंद कर देंगे और इन पराठों को अब हमने फ्रीज़र में रखना। और जब आपका दिल चाहे तो आप इसको फ्रीज़र से बाहर निकालें। तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले आपने इसको निकालना है और उसके बाद इसको आपने फ्राई कर लेना है। तो बिल्कुल वैसे ही फ्रेश जैसे पराठे होते हैं उसी तरह का आपको इसका टेस्ट आएगा और वैसे ही इसके लच्छे बनेंगे। तो इस रमज़ान में आप इस तरीके से एक दिन इसको तैयार कर लें और पूरे रमज़ान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 2 माह तक ये बिल्कुल सही रहेंगे। एक मैं आपको फ्राई करके भी बताती हूँ। तवे को मैंने गर्म कर लिया था, पराठे को दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेंगे। अब इसके ऊपर घी अप्लाई कर देंगे और इसको गोल्डन होने तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा लच्छेदार पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें टेस्टी फूड।